देश की जानी मानी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारत की सबसे पॉपुलर कार कंपनियों में से एक है। हाल ही में गाड़ी को अपनी नई जनरेशन वैगनार को टेस्टिंग के दौरान टेस्ट करते हुए कंपनी स्पॉट करी है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि मारुति सुजुकी अब अपनी वैगनार के न्यू जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुकी है। मारुति की इस धांसू कार को नए अवतार में पेश करने वाली है कंपनी। बताया जा रहा है इस न्यू जनरेशन वैगनार को मारुति सुजुकी के सबसे फेमस हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो कि मारुति सुजुकी का सबसे बेस्ट और जबरदस्त प्लेटफॉर्म बताया जाता है। गाड़ी में इस बार ही आपको न्यू जनरेशन डिजाइन और नए तकनीक का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको हाइब्रिड वेरियंट भी इस बार की न्यू जनरेशन वैगनार में एड ऑन करा गया है, जो कि ग्राहकों को काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग हाल फिलहाल कुछ एक दो महीनों में कंपनी रिवील करने वाली है। खबरों के मुताबिक इस गाड़ी को दिवाली के आसपास कंपनी पेश करने की योजना पर काम कर रही है और इसकी कीमत दोस्तों बताई जा रही है पुरानी वैगनार के जितनी ही रखी जाएगी, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतरीन बात बताई जा रही है, जो कि 5 से 6 लाख रुपए के अंदर रह रही है। अगर हम बात करते हैं न्यू जनरेशन वैगनार के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो दोस्तों गाड़ी का डिजाइन पहले से ज्यादा बेटर और बड़ा हो गया है। गाड़ी में आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, बड़ा व्हील बेस और साइज पहले से बड़ा देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में शानदार सुजुकी की क्रोम ग्रिल का इस्तेमाल करा गया है, जो कि सुजुकी के लोगो और प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ आएगा। उसके साथ ही गाड़ी के फ्रंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ अटैच्ड क्लियर विजन फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे, जो कि डुअल टोन बम्पर सेटअप के साथ आएंगे। वहीं बैक साइड में आपको शानदार एलएकआर के फुल्ली एलईडी टेल लैंप की स्ट्रिप और क्लियर विजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्रोम बेजिंग और पूरी गाड़ी में क्रोम एक्सेंट देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी के एक्सटीरियर को एक प्रीमियम और लग्जरी लुक देने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों गाड़ी में आपको रूफ रेल, साइड स्किड प्लेट्स और 16 से 17 इंच के डायमंड कट 5 स्पोक अलॉय व्हील्स गाड़ी के एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर गाड़ी का एक्सटीरियर काफी ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त हो गया है, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने इसमें आपको जबरदस्त इंटीरियर भी इस बार ऐड करा है। इसमें आपको जबरदस्त फुल्ली लेदर इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो कि 5 से 6 सीटर लेने वाला है। इसमें आपको जबरदस्त क्वालिटी का इस्तेमाल करा है, जिसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको 10 इंच का सुजुकी का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टूडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और इंटरनेट जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए ये गाड़ी को स्मार्ट बनाता है। उसके साथ ही गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग, 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स, सनरूफ और एयर प्यूरीफायर जैसे शानदार जबरदस्त फीचर्स गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलेंगे, जो कि इसके इंटीरियर को बेहतरीन और कंफर्टेबल होने के साथ साथ एक स्मार्ट इंटीरियर बनाने में भी मदद करेगा। दोस्तों बताया जा रहा है गाड़ी में आपको जबरदस्त ऑटोमेटिक AC और 4 एयरबैग्स के साथ ABS, EBD और कई सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि गाड़ी को सबसे ज्यादा सेफेस्ट और मारुति की सबसे 5-स्टार गाड़ी सेफिंग रेटिंग में बनाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, तो कंपनी इसमें आपको नया 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देने वाली है, जो कि जबरदस्त 110 BHP की पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। दोस्तों इसके माइलेज की बात करें तो इसके हाइब्रिड वेरिएंट का माइलेज 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर रहने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी को जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में 4 से 5 रुपए की एक शोरूम राशि पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपको एक न्यू जनरेशन वैगनार कैसी लगी, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।